हैप्पी होम। 40,000 वाला फोन यहाँ है। आपके लिए बहुत ही बढ़िया फैंटास्टिक फोन लेके आएंगे हम। अरे ये तो वही बात हो गई, कब मरेगी सासू और कब निकलेंगे आंसू। इसी दवा ले, उर्दू वाला स्पीकिंग आता है। दया रे दया। और की होलो? ये जो मोबाइल है इसमें बिहारी स्पीकिंग नहीं है का? डॉली ये तो क्या बोल रहा है? अब हम कौन सा गलती किया? तुमने हमको चोरी का फोन लाके दिया और अभी पूछे क्या किया? क्या चोरी का फोन? रमेश जी किधर गया? वो हमारा डॉली, वो पुलिस वाला, वो फोन। रमेश जी तो नहीं है, वो बाद में बोल देगा, सॉरी बोल देगा। फोन लेके जाता हूँ। साहब ये देखो, अरे अब तो बिल्कुल कमाल ही हो गया। अरे ये मोबाइल फोन का नेटवर्क जो है अब तो बिल्कुल चाबी के खिलौने की तरह चलने लगा है। अबे उन्हें नहीं, मुझे दिखा, मुझे। अच्छा साहब ये देखो, ये रेड स्पॉट मिस्टर रमेश यादव के यहाँ से गुजरता हुआ लेफ्ट होकर के यहाँ सेंट्रल में आ पहुंचा है। मैडम यहाँ इस स्पॉट पर किसका घर है? नहीं नहीं सर, अब मुंबई सेंट्रल में मेरा कोई सगा वाला नहीं। अरे मैं हैप्पी होम्स के सेंट्रल की बात कर रहा हूँ। इस सेंटर में, इस सेंटर में किसका घर है? डॉली का घर है। ए? नहीं नहीं जागृति, तुम जहाँ खड़े हो उधर से सेंटर देखे तो मेरा घर है। और इंस्पेक्टर साहब जहाँ खड़े हैं उधर सेंटर देखे तो किसका घर है? मिस्टर डोबा वाला का। मैं जरा फोन करके पूछती हूँ मिस्टर डोबा वाला का घर का चाबी किसके पास है। जल्दी जल्दी। हेलो पिशो, तुम जल्दी से वो फोन को बॉक्स में डाल के उसको ठिकाने लगा दो, जल्दी से, उसको पता नहीं चलना चाहिए, जल्दी करो। रखते हो मैं। राइट और लेफ्ट का सेंटर तो ए चुप जागृति। मैंने फोन किया है। अरे बाबा तू मोबाइल नहीं है, मुसीबत है मुसीबत। मेरे उचीशान है मौला, मेरी डिमांड है मौला, मन भी तू फोन दिला दे, नफीसा जी जैसा दिला दे, मन भी तू फोन दे। अरे तेरे को तो डॉली को खुश करने के लिए लाया था, लेकिन तू डॉली को खुश नहीं किया, हमारा बैंड बजा दिया। के लिए तुझको पनिशमेंट मिलेगा, बराबर मिलेगा। चल खोल के देखता हूँ। रान निकल जा, रान निकल जा। अरे ये तो गड़ाई चुता मुझे। अरे वाह ये मस्त डिस्प्ले है, हाय मेमोरी कार्ड भी है, उम्मीद तेरी तो निकल पड़ी। काम करता हूँ इसको ना
कमरे में रख के आता हूँ, फिर आके ना आपसे कोई और दुआ मांगता हूँ, ये पता वो भी पूरी हो जाए। चलो अच्छा हूँ था। ढूंढो जी सर। ये तो मेरी पोती है। सार जी, अभी तो मोबाइल का लोकेशन यहीं पर दिखा रहा था, लेकिन ये अचानक गायब हो गया। अच्छे से ढूंढो। जी सार जी। नहीं कहीं पे होगा। सार जी, आप तो ये मोबाइल का लोकेशन बाहर की ओर दिखा रहा है। अच्छा, इधर। जी सार जी। जी सार जी। लगता है इस हैप्पी होम्स में बहुत बड़ी गड़बड़ है, सबके सब मिले हुए हैं, तभी तो ये फोन एक अफवाह की तरह इधर से उधर बहुत तेज गति से फैल रहा है। तो मैडम जी बताइए, ये हो क्या रहा है? अभी अभी फोन का लोकेशन आपके घर में था और अभी गुल। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, इधर हैप्पी होम सोसाइटी में कोई गड़बड़ नहीं है, इधर सब अच्छे और ईमानदार लोग रहते हैं। आपको पता है हमारी हैप्पी होम सोसाइटी को हाउसिंग फेडरेशन की तरफ से ईमानदारी के लिए स्पेशल सर्टिफिकेट मिला है। हाँ। अच्छा, तो मैडम जी आपकी सोसाइटी को ईमानदारी के लिए सर्टिफिकेट मिला है। तो मैडम मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन एक बात याद रखना, अगर कुछ भी गड़बड़ निकली तो मैं तुम्हें ही नहीं पूरे हैप्पी होम्स को फाने ले जाऊंगा। अवल्ला। जी सर। चलो अब उस लोकेशन को देखते हैं। जी सर, चलिए। शुभ मुहूर्त चल रहा है, टाइम नहीं करता, सो जाता हूँ, सपनों में ना एक और दुआ मांगता हूँ, ये पता ऊपर वाला वो भी पूरी कर दे, ठीक से सो जाता हूँ। हे भगवान जी, जैसे आपने मेरी गोद में फोन टपकाया ना, एक बार निराली को भी टपका दो, टपका दो। इसके आदमी में सख्त क्यों है? ओमी, ये कभी नहीं सुधरेगा, इसको नौकरी से निकालना पड़ेगा। पर ये आवाजें कैसी आ रही है? इन निराली मन नौकरी से निकालने की बात क्यों कर रही है? मना कुछ नहीं करा, मैं तो बस निराला सपना देख रहा था। अच्छा, तो समझो तुम्हारा निराला सपना सच हो गया, तुम्हारी नौकरी गई, अब चलो भाने। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये बेचारा ना रात को सोता नहीं है, वो बीमारी है ना, इसे थोड़ा दिन में झोपड़ी लगा लेता है। वैसे सोसाइटी में कभी किसी को किसी काम के लिए मना नहीं करता, क्यों डॉली? ये बहुत ही ईमानदार है। अरे साहब साहब, मोबाइल का लोकेशन यहाँ से भी गुल हो गया। अच्छा, कब से तू मुझे दौड़ा रहा है यहाँ से वहाँ, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी दाएं तो कभी बाएं। अरे साहब, मैं थोड़ी दौड़ा रहा हूँ, वो मोबाइल फोन दौड़ा रहा है। ठीक है, अब ढूंढ, देख के बता फोन कहाँ है। अरे साहब, ये देखिए, ये लाल स्पॉट सोसाइटी के पंप रूम के आसपास घूम रहा है, ये देखिए उधर तो ओमी रहता है।
तुमको एक भी काम ठीक से नहीं कर सकता, तो वो भी फेंका भी तो मम्मी को ऊपर। डॉली, अब हमको क्या पता था कि वो मोबाइल कैच करने के लिए उधर फीलिंग कर रहा होगा। मैंने कुछ ना किया सर। कुछ नहीं किया तूने, हैं? आप चाहो तो ना मेरे कमरे की तलाशी ले सकते हो। चल तो तेरी ये इच्छा भी पूरी कर ही देते हैं। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम तैयार चलो। मैंने तो अपना फोन रमेश जी को दिया था, फिर ये ओमी के पास कैसे आया? नहीं नहीं, अगर ओमी के पास मेरा फोन रहेगा तो एक दिन में ही खराब हो जाएगा। बता चोरी का मोबाइल कहाँ छुपा के रखा तूने? अरे अरे साहब जी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास चोरी का कोई मोबाइल ना है, मेरे पास तो भगवान का दिया ये। ये तो कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया, भगवान जी मैंने पक्का यकीन हो गया, ये आपका भेजा हुआ अनमोल गिफ्ट था, आपने मेरे लालच की परीक्षा लेने थे और मैं फेल हो गया। कोई बात नहीं भगवान जी, कोई बात ना है, इस बार मेरे को पता तो चल गया कि पराया मानना कभी अपना नहीं हो सकता। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। ये ड्रामा करना बंद कर और सच सच बता, मोबाइल कहाँ छुपा रखा है तूने? वरना मेरे पास मोबाइल ना है, अब देख लो मेरे पास तो कोई मोबाइल ना है। कैसे कोई मोबाइल नहीं है? अरे मेरा, अरे साहब मोबाइल तो फिर से बिल्डिंग के अंदर चला गया। अच्छा? हाँ? जी अब क्या किया साहब मैंने? अरे इसी बात का तो रोना है कि तू कुछ नहीं करता, लेकिन अगर तूने इस बार फोन नहीं ढूंढ निकाला तो मैं इससे तो बाद में निपटूंगा, पहले तेरी हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी कर दूंगा। पिसा जी, ये लीजिए आपका जेड फोन, वो कहा है कि हम सरू जी को चलाना सिखा दिए हैं। अरे रमेश जी, मेरा फोन तो मेरे पास है, ये कैसा फोन है, किसका है? दया रे दया, हम भी यही सोचकर परेशान हैं कि आखिर ये दूसरा फोन वा गया कहाँ? एक मिनट, कंफ्यूजन है, हम बताते हैं। देखिए हुआ का कि डॉली जी एक फोन दी सरोज जी को ताकि सरोज जी चलाना सीख लें, वो दोनों फोन एकदम सेम टू सेम थे, फिर अचानक एक फोन गायब हो गया, कहाँ गया हमको पता ही नहीं, पर ये आपके पास कैसे आया? ये तो जेड फोन है ना, ये शाम होने से पहले अपने मालिक के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है, जिस तरह से कुत्ता अपने मालिक के बिना नहीं रहता ना, ठीक उसी तरह से ये भी अपने मालिक के बिना नहीं रहता। पर इस फोन के असली मालिक आप नहीं हैं। क्या मतलब? अरे साहब, मिल गया, ये देखो मिल गया। चोर है साहब। अरे मिल गया नहीं, चोर पकड़ा गया, चोर। चोर? चोर? कौन चोर? मैडम, चोरी का मोबाइल खरीदने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। मतलब चोरी का फोन? हाँ, चोरी का मोबाइल, ये चोरी किया हुआ मोबाइल है और इसके असली मालिक हैं फेमस एक्टर मिस्टर अरुण गोविल जी। तो बताइए ये मोबाइल आपने कब कहाँ और कैसे खरीदा, बताइए वरना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये चोर जानबूझ के नहीं किया है। मैं आपको सच सच बताती हूँ, हुआ यूं कि एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं आपसे एक मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ कहिए। मैडम मेरा नाम पराग, मैं आपके सामने वाली बिल्डिंग में ही रहता हूँ, रूम नंबर 404 बी विंग। मैंने कल ही ये हेडफोन नेट से खरीदा है, इसकी ओरिजिनल प्राइस 40,000 रुपये है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी माँ को हार्ट अटैक आ गया तो उनकी हॉस्पिटल की फीस जमा करने के लिए मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, क्या आप मुझसे ये फोन खरीद के मेरी मदद करेंगे? आपको अगर इस मुसीबत से कोई बचा सकता है
तो वो सिर्फ और सिर्फ मेमोरी कार्ड है। अगर मेमोरी कार्ड नहीं मिला तो मिस्टर गोविल जी अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लेंगे, समझे? क्या आप मुझसे ये फोन खरीद के मेरी मदद कर रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये फोन आप किसी शॉप में क्यों नहीं बेच रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि इतना महंगा फोन, मतलब 40,000 का फोन मैं नहीं ले सकती। मैडम, मैं पहले दुकानदार के पास ही गया था, लेकिन वो क्या है ना, मेरी मजबूरी का वो लोग फायदा उठा रहे हैं। 40,000 का फोन 8,000 में खरीद रहे हैं और मुझे जरूरत है 20,000 रुपए की। मैंने फिर फोन चेक किया और एटीएम से पैसे निकाल के उसको दे दिया और फिर ये फोन खरीद लिया। क्या वो आपके साथ अंदर एटीएम में नहीं गया था? नहीं नहीं, वो तो दूर में खड़ा था। आपने उससे इस मोबाइल का बिल क्यों नहीं मांगा? मांगा था, लेकिन उसने कहा कि उसे जाना था हॉस्पिटल में उसकी माँ का इलाज का पैसा जमा करने के लिए, तो उसने कहा कि मैं बाद में बिल दे दूंगा। देखिए जो भी हो, लेकिन सच्चा यह है कि आपने गुनाह किया है तो आपको सजा भी मिलेगी। लेकिन फिलहाल इस मोबाइल से ज्यादा मिस्टर अरुण गोविल जी के लिए वो मेमोरी कार्ड है। खबरदार, जैसे मेमोरी कार्ड निकालो। आइए वो। साहब जी, लगता है इस मेमोरी कार्ड के भी पर लग गए हैं। इसका भी नेटवर्क ढूंढना पड़ेगा। जी। मैडम, बताइए इसका मेमोरी कार्ड किधर है? मेमोरी कार्ड मुझे नहीं मालूम इंस्पेक्टर साहब, लेकिन जब मैं फोन घर पे लेके आई थी तो उसमें मेमोरी कार्ड था। देखिए, आपको अगर इस मुसीबत से कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेमोरी कार्ड है। अगर मेमोरी कार्ड नहीं मिला तो मिस्टर गोविल जी अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लेंगे, समझे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, ऑफिसर ने जानबूझकर तो कोई गलती नहीं किया है। वो बिचारी बिल्कुल निर्दोषता से किसी मजबूरी इंसान को मदद करने के लिए फंस गई। करेक्ट बोले हैं एकदम। देखिए हम आपको बताते हैं, होता का है कि मुफ्त की जो चीज होती है ना, उसका लोभ बहुत जल्दी आता है। और ये जो औरतें हैं ना, पूरा सुन तो लीजिए, औरतें होती हैं इमोशनल, मन से एकदम पवित्र। तो बस का है कि वो जो इस तरह के लोग होते हैं ना, चालू किस्म के, वो जालसाजी में यूं ही बेवकूफ बना देते हैं इनको। साहब, आप जो भी बोलेगा तो हम सब लोग मिल के मिस्टर अरुण गोविल जी के पास जाएगा और उनसे रिक्वेस्ट करेगा, माफी मांग लेगा उनसे। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? गोविल जी को मेमोरी कार्ड की जरूरत है, माफी की नहीं। हम क्या बोलते हैं इंस्पेक्टर साहब, हम एक काम कर सकता है, मिस्टर अरुण गोविल जी को एक वीडियो संदेश भेजते हैं। अगर उन्होंने हम लोग को माफ कर दिया तो हम हैप्पी होम सोसाइटी वालों का इज्जत बना रहेगा। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, प्लीज इंस्पेक्टर साहब, प्लीज 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 साहब जी, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग कीजिए, मैं भिजवा देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद सर। मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए सर। हाँ सर, नौकिशा ने गलती से गलती कर दिया है तो हम हैप्पी होम सोसाइटी की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं, उसको माफ कर दीजिए। हाँ सर, वो काहे कि नफीसा जी जानबूझ के नहीं की है ना, गलती से मिस्टेक हो गया, उनको माफ कर दीजिए ना। नमस्ते हैप्पी होम्स वालों। ये तो साक्षात राम भगवान के दर्शन साले।
मैंने आप लोगों का बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा संदेश देखा, मगर जैसे आप लोगों की कुछ मजबूरियां हैं वैसे ही मेरी भी एक बहुत बड़ी मजबूरी है। मुझे उस मोबाइल फोन की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ उसके मेमोरी कार्ड की जरूरत है, क्योंकि उस मेमोरी कार्ड में मेरा सब कुछ है। उन तस्वीरों के बदले मैं अपना सब कुछ लुटा सकता हूं, इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, वो मेमोरी कार्ड मुझे लौटा दीजिए। उसके बदले में आप जो कहेंगे मैं आपको दूंगा, प्लीज वो मेमोरी कार्ड मुझे लौटा दीजिए। मैडम जी एक काम करते हैं, अभी ना मेमोरी कार्ड ढूंढो अभियान शुरू करते हैं। मैडम आपको हमारे साथ चलना होगा। यही है चलो संभालो इसे। आप लोगों के सर से बहुत बड़ी मुसीबत टल गई है। मैडम आपको हमारे साथ चलना होगा। देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, चलिए चलिए। मुझे दिखाओ कहाँ से मिला है। मिल गया यही है। चलो संभालो इसे। आप लोगों के सर से बहुत बड़ी मुसीबत टल गई है। मैं अभी मिस्टर अरुण गोविल जी को फोन करके बताता हूँ। तुम्हारे सर पे आ गई ना मुझे। हेलो मिस्टर अरुण गोविल जी, सर आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सर आपका मेमोरी कार्ड हैप्पी होम्स वालों ने ढूंढ निकाला है। क्या सर आप उनसे ऑनलाइन बात करना चाहेंगे? ओके सर, ओके थैंक यू सर। एक मिनट। हैप्पी होम्स वालों, मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं? अगर वो मेमोरी कार्ड मुझे आपसे वापस नहीं मिलता तो मेरा परिवार मुझे कभी माफ नहीं करता। इस घटना से एक सबक मुझे भी मिला है और एक सबक आपके लिए भी है। मुझे सबक ये मिला है कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज हो, इंपॉर्टेंट डाटा हो, उसका बैकअप हमें कहीं ना कहीं लेकर जरूर रखना चाहिए। और आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि किसी भी अनजान आदमी से, राह चलते इंसान से, बगैर पक्के बिल के या बगैर पक्की इंफॉर्मेशन के आपको कोई भी चीज नहीं खरीदनी है। कुछ पैसे बचाने का लालच हम सबको एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ हैप्पी एंड पीसफुल एंड सेटिस्फाइड लाइफ। मैं ओम प्रकाश चौधरी आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पारिवारिक कारणों से अपने पद से ना इस्तीफा दे रहा हूँ जी। मेरे को मालूम था कोई सच होगा ये गीत। मेरे को टॉली मैडम ने अपने ऑफिस से ऐसा धक्का मार के निकाला होगा। हम चौकीदारी करेंगे तो ओमी क्या करेगा? नहीं, मंजे कुछ भी नहीं। अरे पंडू, अरे वो नौकरी छोड़ के जा रहा है।